अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा रुद्रपुर तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ। भारत माता की जय। तहसीलदार ने दिया बंगाली समुदाय के युवाओं के प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द नहीं लिखने का आश्वासन। आपको बता दें कि आने वाले समय में यह शब्द जाति प्रमाण पत्र में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कई वर्षों से भारतीय बंगाली एकता मंच और बंगाली समाज जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विगत दो दिन पहले जिला अधिकारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर को अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें बंगाली समुदाय के छात्रों की जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी आदि शब्दों को हटाने की मांग की गई थी। प्रशासन द्वारा इस मांग को नजरअंदाज करने पर 20 फरवरी 2021 को एक दिन का भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिसके तहत बंगाली समुदाय द्वारा आज तहसील में एक दिन का भूख हड़ताल किया गया, जिस पर तहसीलदार अमृता शर्मा जी ने धरना स्थल पर आकर आश्वासन दिया कि भविष्य में बंगाली समुदाय के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी से विस्थापित और बांग्लादेशी शब्द को हटा दिया जाएगा। साथ ही आने वाले जाति प्रमाण पत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इस आश्वासन के पश्चात समाज सेवी सुब्रत कुमार विश्वास, गोलू हालदार, दिव्यांशु मंडल, अभिषेक डाली, आयुष और संजय आईजी आदि लोगों ने यह कहा कि तहसीलदार के आश्वासन पर हम इस भूख हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं, और यदि भविष्य में यह आश्वासन उनकी झूठी निकली तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वही एडवोकेट जीवन राय जी ने प्रशासन को बताया कि अपना पूर्ण समर्थन समाज के युवाओं द्वारा भूख हड़ताल को दिया, और आगे अगर कार्य पूर्ण नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसी के साथ अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच को बंगाली समुदाय के विभिन्न संगठनों ने साथ दिया, जिसमें से बांगो भाषी महासभा धरने स्थल पर उपस्थित लोग रंजन दत्त, दिव्यांशु मंडल, आकाश हालदार, वैशाली शुभम दास, जीवन मंडल, सूर्य विश्वास, अमित विश्वास, विक्की विश्वास, राकेश सरदार, अशोक मंडल आदि लोग उपस्थित रहे।